हेलो दोस्तों, पावर बीआई ट्यूटोरियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ डीकंपोजिशन ट्री क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने पहले से ही एक चार्ट क्रिएट करके रखा है, जीओपी कॉलम चार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2017 का मैंने सेल्स दिखाया है मंथ वाइज। अगर आप इस चार्ट को देखकर अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको दिखेगा कि कुछ ऐसा मंथ है जहां पे सेल्स काफी डिक्रीज हुआ है, बहुत ही कम सेल है। जैसे कि मंथ ऑफ फरवरी में देख सकते हैं, ये बाकी सारे मंथ के हिसाब से मंथ ऑफ फरवरी में सेल काफी कम है। तो अगर आपको प्रॉब्लम को जड़ तक जाना है कि फरवरी में किस कारण से यहाँ पे सेल कम हुआ है, वैसे इसका अपोजिट में देखें, मैक्सिमम सेल हुआ है मंथ ऑफ सितंबर में। क्या कारण है कि मंथ ऑफ सितंबर में सेल मैक्सिमम हुआ है? तो अगर आपको जड़ में जाकर उस प्रॉब्लम को पता करना है, उस चीज को जानना है, तो इस चार्ट से आप निकालना इस चीज को बहुत ही मुश्किल है। उसी के यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं डीकम्पोजिशन ट्री चार्ट। तो चलिए डीकम्पोजिशन ट्री चार्ट बनाना शुरू करते हैं। तो मैं इसको अभी के लिए मैं ड्रैग करके इसको साइड पकड़ा दे रहा हूँ। तो मैं अब जा रहा हूँ विजुअलाइजेशन पेन में और यहाँ पे नीचे की तरफ में आपको मिलेगा डीकम्पोजिशन ट्री, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे एक ऐसा चार्ट क्रिएट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें काफी स्पेस लगेगा, तो मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। अच्छा, अपना रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें देखना है कि मंथ फरवरी में 2017 का जो सेल है उसमें कौन से महीने में सेल सबसे डाउन है और क्यों डाउन है। हो सकता है कि डाउन है 2000 फरवरी में, और उसके बाद हो सकता है कौन से रीजन में डाउन हुआ है, कौन से सेगमेंट में डाउन हुआ है, कौन से सब कैटेगरी डाउन हुआ है, ये सारा चीज हमें पता करना है। तो मैंने जैसे ही इस चार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। क्या क्या ऑप्शन है? एनालाइज। आप कौन से फील्ड को एनालाइज करना चाहते हैं? तो मैं सेल्स को एनालाइज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेल्स को डाल दिया। उसके नीचे में आएगा एक्सप्लेन बाई, मतलब किस चीज के ऊपर में आप इसको एनालाइज करना चाहते हैं। तो हमें एनालाइज करना है पहले तो मंथ के ऊपर में, तो मैंने यहाँ पे गया ऑर्डर डेट जो भी है इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन बाई फर्स्ट में मैंने डाल दिया। तो एक हायरार्की क्रिएट हुआ है, तो हमें मंथ वाइज ही चाहिए, तो मैं यहाँ से ईयर, क्वार्टर और डेज को यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मंथ का पता चलेगा, उसके बाद हमें कहाँ जाना है डीप डाइव में, तो उसके बाद हमें पता करना है सेगमेंट वाइज कौन से सेगमेंट में डाउन हुआ है सेल। सेगमेंट का भी अगर पता चल जाए उसके बाद करेंगे सब कैटेगरी वाइज कौन से सब कैटेगरी में हुआ है सेल डाउन। तो चलिए ये चीज मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब आते हैं इस चार्ट में। अब चार्ट में आकर आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल सम ऑफ सेल्स आया है 2017 का, टोटल इतना सेल हुआ है वो है, और एक लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ बगल में एक छोटा सा प्लस का आइकन है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन अवेलेबल हुआ है। पहला हुआ है हाई वैल्यू लो वैल्यू, जो कि पावर बीआई का डिफॉल्ट है। हाई वैल्यू देखना है कि 2017 का मैक्सिमम हाई वैल्यू किस कारण से हुआ है, कौन सा है उस हाई वैल्यू में। दूसरा है लो वैल्यू। थर्ड जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था मंथ वाइज सेगमेंट एंड सब कैटेगरी, तो मैं मंथ पे क्लिक करता हूँ। मंथ पे क्लिक करने से ही आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारा आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ देखने से ही लग रहा है कि मंथ ऑफ फरवरी में सेल काफी कम है, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये काफी कम है। अब मंथ में फरवरी में सेल कम है, अब उसमें फिर आगे जाएंगे फर्दर डिटेल्स में। फिर इसके प्लस पे मैंने क्लिक किया, फिर उसके बाद मैंने डाला था सेगमेंट, फरवरी में डाउन है तो कौन से सेगमेंट में डाउन है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो देखेंगे सेगमेंट में यहाँ पे तीन सेगमेंट है, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। तो यहाँ कॉर्पोरेट में डाउन हुआ है फरवरी मंथ में, तीन सेगमेंट में आपको ये सारा सेल दिख रहा है कौन कौन से में कितना है। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट में कम दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे जाकर प्लस पे फिर से मैं क्लिक करूंगा, फिर से आपको ये दो तो बाय डिफॉल्ट दिखेगा ही। उसके बाद मैंने डाला था यहाँ पे सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी भी यहाँ पे दिख रहा है, मैं इस पे फिर से क्लिक कर रहा हूँ। अब देखेंगे कॉर्पोरेट के अंदर, ये मैं सिर्फ कॉर्पोरेट का बात कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट के अंदर में इतना सारा सब कैटेगरी है उसका क्या सेल्स है। तो आप देख सकते हैं मिनिमम सेल हुआ है मशीन्स में हुआ है, चेयर्स में हुआ है, एसेसरीज, ये सारा है जो कि कंट्रीब्यूट बहुत लो किया है एज ए सेल। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग पता कर रहे हैं पूरा हायरार्की के थ्रू कि इसका मंथ ऑफ फरवरी में जो सेल डाउन हुआ है उसका प्रॉब्लम क्या है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये मशीन्स के कारण हुआ है और फिर चेयर्स के कारण हुआ है, इन कारण से सेल्स का इफेक्ट इसमें आया है। अगर आपको प्रोडक्ट में भी जाना है तो प्रोडक्ट में भी आप यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट, तो इसके सामने भी एक प्लस का ऑप्शन आएगा, आप प्रोडक्ट तक जा सकते हैं ड्रिल डाउन करके। तो अब इसके अपोजिट में चलते हैं, मान लीजिए मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहां से क्लिक कर दूंगा क्लोज, इसको भी क्लोज और इसको भी क्लोज, मैं अभी नहीं कर रहा हूं। अब यहां पे हम जा रहे हैं कि जो मैक्सिमम सेल हुआ है, मैक्सिमम सेल इसमें से किस में लग रहा है,
मैक्सिमम सेल मंथ ऑफ, इसे नीचे मैं जा रहा हूँ, नीचे भी काफी सारा है, तो दिसंबर, दिसंबर में मान के नहीं, नवंबर, नवंबर में मैक्सिमम सेल हुआ है, या फिर बोल सकते हैं सितंबर में मैक्सिमम सेल हुआ है। प्लस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखते हैं हाई वैल्यू, जो कंट्रीब्यूशन हुआ उसमें हाई वैल्यू किसका है, तो मैंने प्लस पे साइन किया। तो अब यहाँ पे दिखाया हाई वैल्यू मैक्सिमम कंज्यूमर का, ये जो कंज्यूमर जो सेगमेंट में है उसका हाई वैल्यू। फिर मैंने इस पे क्लिक किया, फिर से हाई वैल्यू करे या फिर सब कैटेगरी। अगर मैं पहले हाई वैल्यू करता हूँ तो देखिए क्या होता है, हाई वैल्यू भी सेम आ रहा है, पेपर मैक्सिमम दिखा रहा है और सप्लायर्स लो, तो पेपर्स में मैक्सिमम सेल हुआ इसके कारण आ रहा है। अब मैं इसे क्लोज करके मैं दूसरा ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ। तो फिर कंज्यूमर में जा रहे हैं, कंज्यूमर में जाने के बाद यहाँ पे हम जा रहे हैं सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी आपको यहाँ पे भी पेपर नहीं दिख रहा है क्योंकि वो नीचे चला गया है, तो मुझे नीचे जाकर फिर से यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये चीज आ गया है यहाँ पे पेपर। ऐसे करके हम लोग डी कम्पोजिशन ट्री का यूज कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी यूजफुल है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।